वेलकम टू माय चैनल दमदार किचन। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसको बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ही कम तेल में बन जाती है, सुपर डुपर हेल्दी होती है और सुपर डुपर टेस्टी भी होती है। तो फिर शुरू करें। यहाँ मैंने लिया है पालक 300 ग्राम, जिसकी मैंने स्टेम तोड़ के उसको धो के काट लिया था, बारीक कट किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 12 से 15 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये होममेड पेस्ट है। आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए भी बना रही हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, और अब बारी है नमक की, वो मैंने डाला है स्वाद अनुसार। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, जो मैंने हाथ से क्रश करके डाली है जिससे फ्लेवर थोड़ा बढ़ जाए। और अब बारी है बेसन की, मैंने यहाँ पे डाला है टोटल 1/4 कटोरी बेसन। अब इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे कि आपस में मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो पहले तो मैं इसको एक फोक की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए आप इस तरह से। किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि बेसन कम है या आपकी बाइंडिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो आप बेसन थोड़ा सा और अच्छा डाल सकते हैं। अब मैं इसको हाथों से मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से स्क्वीज कर करके, ताकि इसका जितना भी पानी है, मॉइस्चर है, वो सब रिलीज हो जाए। ये देखिए हो गया। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल 1/2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया था, बट थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं करना है बैटर को, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। ये देखिए ये हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज जस्ट परफेक्ट, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज्यादा पतला है। तो बस एक तवा मैंने गर्म कर लिया है, उसमें लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल बहुत कम लगता है इस रेसिपी में। इसमें मैंने 1 कड़छी बैटर डाल दिया है, उसको स्प्रेड कर देते हैं। ये जो हम चीले बना रहे हैं ये बहुत ज्यादा पतले नहीं होंगे और बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं रखने हैं, बिल्कुल ठीक ठीक रखने हैं। तो उसको हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं, ये देखिए अच्छे से कुक हो चुका है। दूसरी साइड से भी इसको मैं 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करूंगी अच्छे से दबा दबा के। और आपने नोटिस किया होगा दूसरी साइड तो मैंने ऑयल भी नहीं यूज किया, तो ये बहुत ही कम तेल में बन जाता है। सो 2 मिनट हो चुके हैं, लेट्स सी, इसको फ्लिप कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा पालक का चीला बन के हो चुका है बिल्कुल तैयार। इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, और इसी तरह से हम सारे चीले बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है टमाटो केचप के साथ। आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी या किसी भी डिप, इनफैक्ट दही के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। पालक कितनी अच्छी होती है हेल्थ के लिए तो आपको पता ही होगा। सो ये बहुत जल्दी बन जाता है, ये आइडियल ब्रेकफास्ट रेसिपी है जब भी आप जल्दी में हो, कुछ हेल्दी खाना हो, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।